यो आशक्ति के जोश को एसार की आन बान और शान के रूप में दिखाएं। जोरदार ताली के साथ भाई रवि यादव कार्यक्रम में बधाने के मेरे सभी बुजुर्ग भाइयों और मेरे युवा साथियों, मैं आप सभी का युवा शक्ति सम्मेलन में स्वागत करता हूं। और इसके अलावा मेरे गुरु और मेरे जो यादव समाज के लिए मैं लगभग 7-8 साल से काम कर रहा हूं, उसके लिए मेरे को मार्गदर्शन देने वाले सभी मार्गदर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूं। इसके मनीष यादव जी मुख्य अतिथि, अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा, जनक गोपले जी प्रदेश महामंत्री, विकास सैनी जी और अरुण दत्त जी जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा हिसार। इसके अलावा युवा मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य, इसके अलावा जो भी पदाधिकारी पहुंचे हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और दिल से सलाम करता हूं। देखो जी, मैं सक्रिय राजनीति में कभी नहीं गया, मेरे को लगभग 7 साल हो गए समाज के लिए काम कर रहा हूं। मैं सक्रिय राजनीति में हाथ मैंने कभी नहीं लगाया। हाँ, प्रोग्राम किए मैंने समाज के लिए, यही अपने यहाँ पे, इसके अलावा महेंद्रगढ़ नारनौल में भी किए मैंने। लेकिन पीछे से कुछ ऐसी बातें मेरे जहन में आने लगी कि मेरे को लगा भाई अपने को एक बार जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब अपने सहायता की है समाज के लिए। इसके अलावा जो मेरा गंगानगर में इंस्टीट्यूट चलता है महादेव क्लासेस नाम से, उसमें मैं जो गरीब बच्चे हैं या पिछड़े दलित हैं, वंचित हैं, जिनको अपने फीस वो नहीं दे सकते, उनके मैंने बहुत ज़्यादा सहायता की। लेकिन कुछ एक महीने से हरियाणा की राजनीति का थोड़ा परिप्रेक्ष्य चेंज हो गया, थोड़ा उसकी दिशा है वो थोड़ी बदलने लगी जी। मेरे युवा साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में जातिवादी हावी होना मेरे को राजनीति में लाना मुख्य कारण है। नहीं, मैं राजनीति में आता भी नहीं, ना मेरा इतना नहीं शौक भी नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां बनी हमारे समाज के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन समाज के जो हमारे संगठन के जो हैं मुख्य पदाधिकारी, वो एक इस प्रकार की पार्टी में चले गए जिस जो कि खुले रूप से एक जाति को सीधे तौर के ऊपर वो आलोचनाएं करती है, उसके उसके बारे में गलत कहती है। और मैं हमारे जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, इसने न तो किसी धर्म को माना, न किसी जाति को माना, इसने माना सिर्फ दलित को, पिछड़ा को, वंचित को। भाई उसका कल्याण होना चाहिए और उसका विकास होना चाहिए अपने देश में। तो इस ये मेरी मुख्य वजह थी कि मैं ऐसी पार्टी, मेरे को फिर ऑफर आया थी, मैं आपको बताऊँ, मेरे को प्रोग्राम करवाने की कोई जरूरत नहीं थी, ऑफर आया था भाई यादव साहब आप पार्टी में शामिल हो जाओ, आपको राष्ट्र जो भी है उन्होंने कहा, मेरे को प्रलोभन दिया। लेकिन मेरा एक जवाब था, मैं जी आप तो जाओगे लेकिन जाति विशेष के लिए मैं ये नहीं कह सकता। आप जाति विशेष को टारगेट कर रहे हो और उस जाति विशेष के कारण मैं आपके साथ सम्मिलित नहीं हो सकता जी। मेरे इतने जाट भाई आ रहे हैं जी, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ तो कि थोड़ा पिछले 10 दिन से कुछ ऐसा हो गया कि कुछ लोगों को इतने मानसिक तनाव के अंदर चले गए। एक कंपनी आई थी जी मार्केटिंग की और वो भाग गई थी, मैं आपको बताऊं, और अपना सर्कल जी बिश्नोई जाट चमार नायक जितने भी हैं सभी में अपना कुछ लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त हो गए उस कंपनी की वजह से। किसी ने जमीन बेच के लगाए थे, किसी ने कुछ लगाए थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये हो गया कि अपने जो थे, मैं ये देखो पार्टी के लिए अलग काम है, वो जो एक अपना सब कुछ बेच के सब छोड़ के रवा लगा देता है, वो पैसा डूब जाता है, तो उसमें वो कोई बात बहुत बड़ी बात होती है। उनके साथ तो मैं भी था, तो मेरे कुछ मैं भाइयों का नाम लेना चाहूंगा इस स्टेज के माध्यम से, जो मेरे को राजनीति में जिन्होंने प्रेरित किया जी, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, जिन्होंने मेरे को कहा कि आप बात करो एक बार में, अगर आना ही चाहते हो तो बात कर लो, पूरे विचारों का आदमी हो जी, मेरा कोई ये नहीं है अन्ना दबने वाला, किसी से दबने वाला काम है नहीं, अपने घर के खाते हैं, अपने सोचते हैं। पहला मुख्य रूप से नाम लेना चाहूंगा जी मैं मंदीप जी गणेश फिल्टर से, जिन्होंने मेरे को प्रेरित किया कि भाई रवि एक बार आप आओ राजनीति में, हम तुम्हारे साथ हैं भाई, मेरे जाट भाई और मेरे अजीज मित्र। इसके अलावा शिव फिल्टर से मेरे भाई सचे अभी आए हुए शिव फिल्टर से, इन्होंने मेरे को कहा और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा भैया कि अगर आप जाति की राजनीति नहीं करना चाहते तो आप बीजेपी में जाओ, अगर आप हर धर्म हर जाति हर वर्ग को साथ रहना चाहते
लेकर चलना चाहते हो, युवाओं को साथ लेकर चलना चाहते हो तो आप बीजेपी में जाओ। तभी मैंने जनक गोखले जी का मैं मुख्य रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे एक मैसेज से इन्होंने मेरे को बाकायदा बहुत सारा रखता हूँ, मैं इनको सल्यूट करता हूँ। जिन्होंने कहा भाई यादव साहब आपका स्वागत है कि हम आपको पूरा मान सम्मान देंगे पार्टी के अंदर और हम आपके साथ हैं। मैं बोला ठीक है जी, यही मेरी इच्छा थी, अगर ये मेरे को मना कर देते तो मैं जी आता ही नहीं, मेरा यही था, अगर मना कर देते तो आता नहीं। इसके अलावा देखो जी, राजनीति जो है हमारे गुरुदेव संजीव जी, इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र जी जो बिल्डर साहब हमारे मेरे जानकार राजीव मित्र आदमी हैं, इसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे अधीक मेरे रिश्तेदार मेरे मानो सब कुछ मेरे दाऊ जी देवेंद्र यादव जी, यादव वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान और उन सभी भाइयों का जो रोहतक से आए थे, सचिन जो रोहतक से वो भी आया था, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और कुछ भाई नहीं पहुँच सके, देखो जी सुबह 11 बजे से बैठे हैं जी लोग। नवीन भाई का मैं बड़े तय दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जोनी भाई का देना चाहूंगा, दीप्ति यादव का, अशोक जी यादव का, सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। देखो जी बात रहती है, एक मां को बता देता हूँ, मैं ना तो ये दिखाने का शौकीन भी मेरे साथ इतनी मत है, मेरे को पता है मेरे साथ क्या है, मेरे को 8 साल हो गए ना मैंने कभी भीड़ दिखाने की कोशिश की, 8 साल हो गए समाज के लिए सभी जानते हैं वहां खोला मैं, मेरा मकसद ये है कि आर्थिक रूप से कोई वंचित हो उसकी सहायता कर दे, और अगर पार्टी के माध्यम से मैं कर सका और अगर युवा मोर्चा जो बीजेपी की पार्टी के माध्यम से अगर मैं ये कर सका तो मान लो मेरा जीवन सफल हो गया जी। इसको ना तो मेरे को किसी चीज का लालच है, ना मैं पार्टी में जाकर ये करना चाहता हूँ मेरे को ये दिखाना है मैं क्या चीज हूँ, मैं मेरे को क्या करना नहीं। अगर मेरे द्वारा पार्टी में जाने के बाद सेवा हो जाए, अगर एक रिफ्यूम सेवा देगी मेरे को बहुत बड़ी बात होगी, बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी। तो मैं तो सेवा करने के लिए इसमें गया, और दलगत राजनीति जो जातिवादी राजनीति कर रहे हैं आज के सिनेरियो में अपना चल रहा है, उस उनको सबक सिखाने के लिए मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भी आता हूँ महासभा का। तो ये मानो कि वो अपने राजनीति में होता है जी, बोगले जी वादा खिलाफ बड़ा काम हो जाता है, ऊपर से आपको कोई कहता है, मनीष यादव जी को बताना चाहूंगा कि ऊपर से आपको कोई कहता है कि भाई आप इसमें आओ, हम इसमें जा रहे हैं आप इसमें आ जाओ, मेरे से बड़ा मान लो आप अध्यक्ष हो मोर्चा के, आपके पीछे सारा काम है जी, वो मेरे को कहता है आप इसमें आओ इसमें करना है, दोनों तरफ से आता है जोर, लेकिन नहीं जी पद कमाने का मीटर नहीं है, ना तो अपने कोई प्रदेश उपाध्यक्ष मेरे को बड़ा नाम नहीं हो जाता जी, मेरे काम तो वैसे भी निकल जाते हैं, भाईचारा इतना बढ़िया है, राम राम करके चलता हूँ तो मेरे काम वैसे निकल जाते हैं, तो मेरे को पद की क्या जरूरत है, ये पद में मेरे काम नहीं आया जी, मेरे को 8 साल हो गए, ये पद मेरे को 2 साल हो गए, मैंने तो कुछ नहीं किया ना 1 रुपया कमाया इससे, हाँ लगाया जी आपसे लगाया खाली हो गया जमा एकदम है, तो मेरे को नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने कहा विरोध करने के बाद मैं बोला नहीं जी ऐसे प्रकार से मैं नहीं आऊंगा, अगर आऊंगा तो फिर मैंने इसे संपर्क किया। अब आपको भी पता है वादा खिलाफी का क्या होता है, लेकिन वादा खिलाफी मैंने नहीं की, वादा खिलाफी वो कर रहे हैं क्योंकि वो जाति के नाम पे समाज को युवाओं को भड़का रहे हैं जिससे कि अपने भाईचारा खराब हो रहे हैं। नहीं अगर आप बताओ जी जाट भाई बैठे हैं सारे भाई बैठे हैं, क्यों अपना किसी साथ भाईचारा खराब करे, मेरे तो भाई बहन जाट भाई और भाई मेरे इतने काम आया मैं कह गया जी रात ही खड़े मेरे खातर केवल कई रोड़ा हो जाए कहीं किस टाइम हो जाए खड़े रहे। अरे यादव भाई जब मैंने सो मेरे लगे चलो कि यादव भाई सबकी में है, नहीं जी अगर ये बहम है किसी के जाति का क्योंकि पता नहीं कौन आदमी किस काम से, तो मनीष यादव जी मैं इसीलिए पार्टी में जुड़िया कि जाति से अलग होके, अब जैसे 22 सितंबर को भी अपने प्रोग्राम है यहाँ पे सीएम साहब, मैं जाति से अलग होके अपने मतलब ऐसा काम नहीं करे जाति के खिलाफ किसी जाति वाली पार्टी में न जाए, किसी एक चीज का बहु जहाँ पे वर्चस्व हो उस वर्चस्व को अपन कायम नहीं करे इस चीज में इस आदमी का वर्चस्व। अब बीजेपी पार्टी है जी मैं आप देखो सारे महानुभाव बैठे मेरे से ज्यादा जानते हैं भाई, इसमें हर वर्ग का अपने भाई हिंदू मुसलमान जितने भी अपने हर जाति को हर धर्म को जाति को नहीं जाति चलो हिंदू में ले लेते हैं धर्म को भी साथ लेकर चलती है पार्टी, मैं समर्थन करता हूँ। तो बात ये 2013 से मनीष यादव जी हैं, 2013 से मोदी जी की डीपी लगा रखी जी जी मेरे के ऊपर, मैं कोई राजनीति में थोड़ी जाता, 2013 से पड़ी है मेरा फेसबुक खोल के देखो तो उसमें मोदी जी घनी पोस्ट डालता हूँ जी, क्योंकि उनके विचार हैं, उनके विचार मेरे को प्रभावित करते हैं,
उनके विचारों से मैं प्रभावित होता हूँ, न कि आदमी से प्रभावित होता। अगर ऐसे विचार किसी और के भाई के, किसी और नेता के मजबूत विचार हो तो विचारों का सहयोग करना चाहिए। अच्छा, जब तक विचारों का सहयोग करे देश तरक्की करेगा। अब सबका साथ सबका विकास, प्रदेश जी अपने साथ है अपना नारा है, तो अपना भी यही है कि सबको साथ लेके चले, सबका विकास करें। इसके साथ में देखो जी मेरे को चाहिए 5 घंटे बुला लो, टीचर हूँ जी मैं, मेरा स्टूडेंट 10 घंटे बोल दूंगा, कितना ही बोला किसी चीज के ऊपर, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए देखो जी और भी मेरे आए हुए हैं, मेरे से सीनियर हैं, सभी आए हुए हैं, तो उनको अपना अपने विचार अपने मत जो है साझा करें ताकि अपने को पता लगे। ठीक है, आज अपने बैठे जी अपने 50, 100, 200, 300 आदमी जी, अपने आदमी से नहीं होता। अगर देखो एक आदमी ने एक बात की थी, मेरे पास एक आइडिया था दिमाग में, इसने कहा था ये आज किसने था जी अपने जो गूगल कंपनी के मालिक, इसने कहा था कि भाई मेरे पास एक विचार था, मैंने उसको 1000 आदमियों के सामने रखा। नवीन भाई साहब सुनियो कि मैंने उसको 1000 आदमियों के सामने रखा, मेरे पास एक बहुत बढ़िया दिमाग का विचार था, उसमें से 300 आदमी बोले कि यार छोड़ दे ये फालतू बकवास कर रहे इसको छोड़ो, 700 आदमी ने बोले यार कुछ तो कह रहे इसको सुन नहीं मारे। ठीक है जी, उस 700 में से 400 आदमी ये बोले यार कि आदमी का विचार तो सही है, ठीक है इसको थोड़ा सहयोग करते हैं, इसको सहयोग करते तो हो सकता है थोड़ा आगे चला जाए। और 400 आदमियों में से 200 आदमी ने यह ठान लिया कि भैया पक्का इरादा है कि मैं साथ चलूंगा इस भाई के, पक्का इरादा है मैं साथ चलूंगा इस भाई के। उन 200 में से 50 आदमी मेरे साथ दिन रात मेहनत करने में लग गए, तो उन 50 आदमियों ने मेरे उस चीज में कामयाब कर दिया। तो मैंने बात तो 1000 आदमियों को बताई थी, कामयाब कितने ने किया 50 आदमी। तो वो बात है सबको बताओ अपने विचार अपने मत सभी को बताओ, ताकि उससे सहमत हो तो अपने साथ आए, और तो सहमत ना है भैया उससे हाथ जोड़ के राम राम करके अपना चलते रहे। एक मेरा दूसरा ये यहाँ पे हिसार में अपना प्रोजेक्ट मैं लेके चल रहा हूँ जी, एक कुछ ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे कोचिंग सेंटर लगा रहा हूँ हिसार के अंदर, जिसमें जो गरीब है जिनका जो बच्चे अपने यहाँ सम्मानित तो कर देते हैं लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी राह से निकल के आते हैं, वो यहाँ सम्मानित करने से कुछ नहीं होता जी। ये देखो कि उसने उस पद को पाने के लिए कितनी मेहनत की है अपने पीछे, तो मैं इसके लिए यहाँ पे इसको डाल रहा हूँ, जिसमें 12 के जो IAS करियर जो टीचर हैं मेरे, इसके अलावा जो बैंक में लगे हुए टीचर लगभग सारे जो, ताकि जो अपने समाज में जो होशियार है या जिसका इतना आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं है कि उसको कर सके, तो उनके लिए मैं यहाँ मैं इस मंच के माध्यम से ही मैं मेरे को विचार था इस मंच के माध्यम से मैं बता रहा था कि सभी का अपना एक साथ काम चले। ठीक है, इसी साथ का समय ही लूंगा जी, धन्यवाद।